सब्सक्राइब कीजिए शिवानी की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। स्वागत है आपका शिवानी की रसोई में। दोस्तों, कभी कभी घर में हरी सब्जी नहीं होती और समझ में नहीं आता कि क्या बनाए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू मसाला। वो भी एकदम होटल स्टाइल और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन चढ़ाती हैं। उसमें हम डाल देंगे 6 से 7 चम्मच सरसों का तेल। तो आलू मसाला बनाने के लिए सरसों का तेल का यूज करें, उससे आलू मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो तेल को अच्छे से गर्म कर ले, तो जब भी सरसों के तेल में कुछ भी बनाए उसको तेल को अच्छे से गर्म करना है, एकदम अच्छे से। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तभी उसमें कुछ भी डालें। तो तेल अच्छे से एकदम गर्म हो चुका था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 2 साबुत लाल मिर्च। ये देखिए, आप यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे 2 साबुत लाल मिर्च डाल रहे हैं। इसको तोड़ के हम सूखी लाल मिर्च डाल के और इन दोनों को अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। जीरा और मिर्च अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, जो कि हम इसको बारीक कट कर लिए हैं अच्छे से, और इसको हम इस तरीके से चम्मच से मिक्स करके और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम प्याज को पका लेंगे। प्याज को हम 1 मिनट के लिए पका लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो 4 से 5 लहसुन की कली को हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। आप इसमें पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच हम डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स करके और लहसुन को भी आधा मिनट तक पकने देते हैं, तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। लहसुन को भी हम आधा मिनट के लिए पका लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको कि हम बारीक कट कर लिए हैं, और टमाटर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और टमाटर जल्दी से गल जाए उसके लिए हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। तो हम इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड कर रहे हैं, तो आधा चम्मच हम नमक डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए, और तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। तो टमाटर को हम 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिए हैं। टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। तो 1/2 चम्मच हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो 1/2 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल रहे हैं। ये लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए है, क्योंकि हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करें, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसालों को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से तेल में। तो 1 मिनट हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे मसालों को भून लिए थे। तो अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो 5 आलू को हम बॉईल करके उसका छिलका हटा के और इस तरीके से कट कर लिए हैं। 1-2 आलू को हम मैश भी किए हैं थोड़ा सा, बस हाथों से उसको तोड़ दिए हैं, और कुछ आलू को हम कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके और मसालों में 1 मिनट के लिए आलू को हम भून लेंगे, ताकि सभी आलू में अच्छे से मसालों का टेस्ट आए। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके और इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। आलू को हम अच्छे से मसालों में मिक्स कर दिए हैं। अब मसालों के साथ आलू को भी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो आलू को हम मसालों के साथ 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस 1 कप ही डालना है, क्योंकि उबला हुआ आलू है तो इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हम इसमें 1 कप पानी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक पानी में जो है बॉयल ना आने लगे, यानी कि पानी उबलने ना लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम पकने देते हैं। तो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा टेस्टी सा मसाला आलू बन के है तैयार। तो हम इसको बीच बीच में चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लिए थे मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छे से बन चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। ये देखिए, गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और अब 1/2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद गैस को कर देंगे ऑफ। तो गरम मसाला को मिक्स कर देते हैं और 1/2 मिनट और पका लेंगे और उसके बाद गैस को हम कर देंगे ऑफ। तो 1/2 मिनट हो चुका है गरम मसाला डालने के बाद। हम इसको 1/2 मिनट के लिए पका लिए थे, गैस को कर दिए हैं ऑफ। तो चलिए अब हम इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो उसके लिए सर्विंग बाउल ले लिए हैं, उसमें हम आलू मसाला को डाल देंगे। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल लग रहा है जैसा होटल में बनता है वैसा ही दिख भी रहा है, और खाने में तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा।
तो आप इसे पूरी या फिर रोटी के साथ खाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊँगी, तब तक के लिए बाय।